कैडबरी डेयरी मिल्क। बच्चे तो चॉकलेट छोड़ते ही नहीं और बड़े भी खुद को रोक नहीं पाते हैं, मुंह में पानी आ ही जाता है। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि कैडबरी डेयरी मिल्क की मिठास आपकी सेहत में जहर घोल देगी। दावा है कि कीड़ों से भरी कैडबरी डेयरी मिल्क में एड्स का वायरस मिला है। क्या आपकी जान ले लेगी ये चॉकलेट? कैडबरी डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट में एड्स का जानलेवा वायरस मिला है? क्या कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट आपके बच्चे को बीमार कर देगी? क्या सोशल मीडिया की इस जानकारी पर आपको विश्वास करना चाहिए? कुछ मीठा हो जाए, यानी कैडबरी डेयरी मिल्क। चॉकलेट का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि कैडबरी चॉकलेट की मिठास आपकी जिंदगी को कड़वा कर देगी। आपके शरीर को एक जानलेवा बीमारी का मरीज बना देगी। एक वायरल मैसेज का दावा है कि कैडबरी डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट में कीड़े निकले हैं, क्योंकि HIV से ग्रसित कंपनी के एक कर्मचारी ने अपना संक्रमित खून कैडबरी डेयरी मिल्क में मिला दिया है। ये वो शख्स है जिसने अपना संक्रमित खून कैडबरी के उत्पादों में मिला दिया है। अगले कुछ हफ्तों तक कैडबरी का कोई भी उत्पाद ना खाएं, क्योंकि कंपनी के एक कर्मचारी ने अपना HIV संक्रमित खून उसमें मिला दिया है। ये कल BBC न्यूज में दिखाया गया है। कृपया ये मैसेज उन लोगों तक पहुँचाए जिनकी आप फिक्र करते हैं। लेकिन ये दावा संदेहास्पद भी है। पहला सवाल तो ये कि अगर कैडबरी डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट चॉकलेट में HIV संक्रमित खून मिला है, तो उससे चॉकलेट में कीड़े क्यों बढ़ जाएंगे? HIV जैसा वायरस अगर किसी चीज को दूषित कर दे तो वो संक्रमण तो आंखों से दिखेगा ही नहीं। ऐसे चीज खाने से HIV का वायरस आपके शरीर में नहीं जा सकता, क्योंकि वो चीज जो है वो HIV वायरस को लाइव नहीं रख सकती है। और हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम करके एंजाइम रहता है, उसमें मिक्स होता है फूड, उसके बाद में हमारे जठर में एसिड रहता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उन सारी चीज जो है वो इस वायरस को नाकामयाब बना देती है। एक और चीज वायरल मैसेज के दावे पर शक पैदा कर रही है। वायरल तस्वीर में कैडबरी को अपने HIV संक्रमित खून से दूषित करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन गिरफ्तारी की किसने है? इंटरपोल। इंटरपोल विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। भला कैडबरी डेयरी मिल्क में संक्रमित खून मिलाने के जुर्म में इंटरपोल क्यों गिरफ्तारी करेगा? वायरल तस्वीर हमारे रडार पर थी। साफ था कि इस तस्वीर का कैडबरी चॉकलेट से कोई लेना देना नहीं था, लिहाजा हमने गूगल का इस्तेमाल किया। पता चला कि गिरफ्तार हुए शख्स का नाम अमीनू सादिक ओकुचे है और ये तस्वीर 15 जुलाई 2014 की है। अमीनू पर साल 2014 में नाइजीरिया में हुए बम ब्लास्ट करने का आरोप था। अपनी पड़ताल के दौरान हमें एक और दिलचस्प बात पता चली। इस तरह का वायरल मैसेज इससे पहले कैडबरी की तरह पेप्सी में भी संक्रमित खून मिले होने का दावा कर चुका है। वायरल मैसेज का एक दावा तो हमारी पड़ताल में औंधे मुंह गिर गया, लेकिन कैडबरी चॉकलेट में कीड़ों वाली तस्वीरें गंभीर थी। लिहाजा हमने कैडबरी चॉकलेट निर्माता कंपनी मॉन्डलीज इंडिया से ईमेल के जरिए संपर्क किया। मॉन्डलीज इंडिया अपने उत्पादों में उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों का पालन करती है। 70 सालों से हमें उपभोक्ताओं का प्यार और विश्वास मिल रहा है। वायरल मैसेज में अलग अलग तस्वीरों को एक साथ जोड़ दिया गया है, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा है कि कैडबरी डेयरी मिल्क खाने के लिए असुरक्षित है। ये एक झूठ है। वायरल मैसेज बिल्कुल फर्जी और तथ्यहीन है। यहाँ तक कि वायरल तस्वीर में दिख रही चॉकलेट की तस्वीर भारतीय बाजार की है ही नहीं, जबकि दूसरी वायरल तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है वो हमारी कंपनी का कर्मचारी नहीं है और न ही कभी हमारी कंपनी से जुड़ा रहा है। दरअसल कैडबरी फ्रूट एंड नट चॉकलेट की जो तस्वीर वायरल हो रही है उस पर विदेशी भाषा में कुछ लिखा है। भारत में ये भाषा इस्तेमाल होती ही नहीं। साफ है कि ये तस्वीर भारत में बिकने वाली कैडबरी डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट चॉकलेट की नहीं है। लेकिन फिर ये कौन सी भाषा है? चॉकलेट के ऊपर लिखा है कॉकलेट सूसू बुआ पादाम डैन।
हमने गूगल ट्रांसलेटर पर ये शब्द लिखे तो पता चला कि ये मलेशिया में बोली जाने वाली मलय भाषा है। अब हमने इसी नाम से फेसबुक पर खोज शुरू की। हमें वायरल मीडिया जोहोर नाम के एक फेसबुक पेज पर यह वीडियो मिला। जोहोर मलेशिया का एक राज्य है। इस पेज पर यह वीडियो 19 फरवरी को डाला गया है। इस वीडियो के स्क्रीनशॉट ही भारत में वायरल हो रहे हैं। लेकिन चॉकलेट में कीड़े आए कैसे? जवाब जानने के लिए हम जयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरोत्तम मिश्रा के पास पहुंचे। कोई प्रोडक्ट जो सील बंद प्रोडक्ट है, जिसके पे FSSAI की मोहर लगी हुई है, भारत में बेचने को वो अधिकृत है, साथ में उसमें एक्सपायर डेट लिखी हुई है, तो उस प्रोडक्ट के अंदर किसी कीड़े या अन्य कोई चीज़ आने की संभावना नहीं के बराबर होती है। जहाँ तक आपका ये वायरस जो आ रहा है, इसमें ये कहीं भी पता चल रहा है कि पैक सील पैक है, खुला हुआ है, उस तक खुला पैक हो, खुला पैक होने के बाद उसमें कीड़े पड़ सकते हैं। नॉर्मली पैकेज वैक्यूम फ्री पैकेज होती है, वैक्यूम पैकेज होती है, एयर फ्री। अगर पैकेज डैमेज हो गया किसी भी कारण से, तो उसमें एयर जाएगी, और एयर जाएगी तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो होंगे। चॉकलेट लेते वक्त ख्याल रखिए कि चॉकलेट जिस दुकान से लिए उसने प्रॉपरली स्टोर करा है कि नहीं करा है, फ्रिज में स्टोर है कि नहीं, धूप में तो नहीं रखी हुई है। भारत में किसी भी खाद्य पदार्थ को बेचने से पहले कंपनियों को कई तरह के सुरक्षा मानकों पर खरा उतरना होता है, तभी उन्हें लाइसेंस मिलता है। FSSAI नियमित तौर पर इन कंपनियों के उत्पादों का निरीक्षण करती है। ऐसे में किसी भी उत्पाद में मिली कोई खामी बचकर नहीं निकल सकती। कैडबरी